साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साई प्रभो। नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के इस महत्व विषय के साथ साई वाणी को लगभग 2 महीना पूरे हुए। 3 मई 2023 को हमने साई वाणी को प्रारंभ किया और 3 जुलाई 2023 को 2 महीना पूरा होने के बाद हम आपके साथ जुड़ रहे कुछ करने के लिए। और मैंने पहले ही कहा साई बाबा का आशीर्वाद। आज बहुत सारे लोगों के मुझे सुबह से कॉल आए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये साई वाणी का प्रारंभ पूरे विश्व में क्रांति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और आज हम एक ही संकल्प ले रहे हैं, साई ध्यान। और आज सबको आप मेरे साथ साई ध्यान करना है। बट ध्यान क्या है, मैं उसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करना पसंद करूं। ध्यान है अपने को भूल जाना, किसी भी चीज़ को मन में ना आने देना, लेकिन रोकना नहीं, दबाना नहीं तो उसको रुकाना। ऑटोमेटिकली वो शब्द रुकने चाहिए। और ये बहुत छोटी चीज़ है बोलने के लिए, लेकिन करने के लिए पूरी ज़िंदगी चली जाती है, फिर भी लोगों को नहीं हो पाती। लेकिन याद रखना, अच्छे गुरु के आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद और हम सब की शक्ति के साथ ये बदलाव मैं खुद करने जा रहा हूँ। आज इस दीवन के लिए, इस दिन के लिए हमने बहुत दिन से राह देखी कि कब हमें अंदर से आवाज़ आए और हम आप लोगों के लिए काम कर सकूं। और मैं आज काम करने को प्रारंभ कर रहा हूँ, साई ध्यान का मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं पहले से ही कहना चाहता था प्रारंभ करो और जारी रखो, यही विचारधारा लेके मैंने विश्व को बदलने का काम किया। और आज हजारों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं और बाबा का ध्यान करने के लिए, साई ध्यान करने के लिए सजग हुए, तैयार हुए, मन से तैयार हुए, अपने कार्य से और तैयार हुए, अपने दिल के साथ, विचारों के साथ एक पथ पर चलने के लिए। 108 किताबें, साई वाणी का साई ध्यान, प्रारंभ करो जारी रखो का गुरु मंत्र, साई बाबा की प्रसन्न मुद्रा, मेरी खुद की शक्ति और हम सब के साथ जुड़ के चलने का जो प्रयास मैं कर रहा हूँ उसके लिए आप सबसे अनुग्रहित हूँ। मैंने जो प्रयास किया है उस प्रयास को आपके साथ जोड़ने के लिए मैं आज से सजग हूँ। और मैं इस निष्ठा के साथ जुड़ना चाहता हूँ कि हम कुछ करके दिखाएं। और हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन के, खुद के जीवन को बदलना है। और खुद के जीवन को बदलना ये कोई शब्दों का खेल नहीं है, ये जीवन बदलने की कला है। और ये कला को जानने के लिए पहले आप अंदर जाओ, पहले आप खुद के अंदर जाओ। आज जुड़ो मेरे साथ और प्राणायाम करने लगो। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्राणायाम हम करेंगे और वो है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस आपको लेनी है और आराम से छोड़नी है। गहरी सांस आपको लेनी है, आराम से छोड़नी है। गहरी सांस आपको लेनी है, आराम से छोड़नी है। ऐसे आप कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक करोगे। बहुत अच्छी तरह से ये साधना आपको करनी है। उसके बाद आपको करना है कपाल भाति। उसी का भी मैं छोटा सा ये जो डेमो आपके सामने करने जा रहा हूँ और जो मैं क्रिया करके आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपको घर बैठे करना है। आज सभी लोग एक ही मंत्र करें, आज हो सके तो कम बात करें। मौनम सर्वम साधनम। बहुत सारी चीज़ें बातचीत से नहीं होती। मैं भी आज आपको कुछ कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं आज आपको प्राणायाम और मेडिटेशन करवाने वाला हूँ। आप शांत बैठे रहो। आपने अभी भस्त्रिका प्राणायाम कितने मिनट किया? 5 मिनट किया। जो लोग थोड़े से, अगर कोई बीपी का मरीज है
ब्लड प्रेशर किसी को है या किसी को कोई दिल की बीमारी है तो वो थोड़ा कम धीमे स्वर से करे, धीमे आवाज़ से करे, धीमे शांति से करे। उसके बाद मैं आपको कपालभाति के लिए कहूँगा। धरती को सच में दिया हुआ वरदान है। प्राणायाम के बाद ध्यान ये एक श्रृंखला है। आप आए और हड़बड़ी में ध्यान पे बैठ गए, ऐसा नहीं होता। ध्यान एक सिस्टम है, ध्यान एक प्रोसेस है, ध्यान एक कार्य है। और ध्यान एक कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए ना। तो अपना मन मतलब ध्यान है। मन को कंट्रोल करना, मन और शरीर एक ही है, अलग अलग नहीं है। कैसे अलग हो सकते हैं? अब बताओ मन को, जैसे हम आँख दिखा सकते हैं, हाथ दिखा सकते हैं, पैर दिखा सकते हैं, मन कहाँ है? मन तो अपने अंदर है और हम ही मन है। तो मन मैं कौन हूँ, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और उस शब्द को अभी हमें साझा करना है। भाई और बहनों, आप कपालभाति के लिए जुड़े जाए। कपालभाति का प्राणायाम बहुत ही ध्यान मुद्रा में आप जब बैठते हो तो ये ध्यान मुद्रा, और उसको हम जब बैठेंगे तो शांति से सिर्फ और सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है। ऐसा लगातार 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आपको पूरी तरह से कपाल भाती करनी है। जो आपका कपाल है उसको एकदम आभा आएगी, एकदम चमक जाएगा आपका कपाल, क्योंकि ये धरती की संजीवनी है। आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, जो भी इंसान संकल्प करेगा वो संकल्प ऐसा होना चाहिए, मैं तभी ब्रेकफास्ट करूँगा, तभी खाना खाऊँगा जब मेरी कपाल भाती मैं करूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 40 मिनट आपको देना है, 20 मिनट साईवानी सुनने को और 20 मिनट प्राणायाम और ध्यान करने को। दे दिया आपने अभी। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा का यही मुझे, अगर आप कोई किसी के मन में आता है मुझे गुरु के स्तर पर देखने का, मैं नहीं जबरदस्ती करूँगा कि मुझे गुरु बोलो, लेकिन मैं ज़रूर कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी कुछ बात आज सुनना चाहते हो तो यही मेरा प्रणाम है आपसे कि मुझे यही चीज़ चाहिए आपसे, प्राणायाम और ध्यान, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने के लिए, इस काम को करने के लिए मैं जुड़ चुका हूँ। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप शांति से देख लेना, ये प्राणायाम आपको अनुलोम विलोम बहुत अच्छी तरह से करना है और वो मेरे साथ आपको जुड़ के करना है। मेरे को लगता है आप सब मुझे बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। देखो, कुछ कुछ चीज़ें हम बुक्स में पढ़ते हैं लेकिन याद रखना, किसी गुरु से सीखी हुई चीज़ हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि किसी ना किसी मार्ग पर सदगुरु हमें दिखा देते हैं हमें रास्ता, और वो रास्ते पर अटिक रहने का, उस रास्ते पर चलने का मार्ग गुरु दिखाते हैं। इसके लिए जिसके जीवन में गुरु है ना, वो कभी भटकता नहीं है, बिल्कुल भटकता नहीं है। और आपको भी अभी भटकना नहीं है, अभी आपको स्थिर होना है। और जैसे जैसे ध्यान करने लगोगे आपके सभी जीवन के मार्ग खुल जाएंगे, सभी समस्याएं आपसे दूर होती जाएगी और आप अपने अंदर को जान लोगे। बहुत महत्वपूर्ण, ये अपनी 5 उंगलियां है और इस उंगलियों में से पहले आप देखो, ये 2 जो उंगलियां है उसको अपने यहाँ रखो और सीधी, एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। अभी मैं बैठ के नहीं, खड़ा होके कर रहा हूँ, लेकिन आप आराम से बैठ के करो क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो अपना अंगूठा है, एक नाकपुड़ी पे होना चाहिए, नाक पे होना चाहिए, और दूसरा दूसरी बाजू में ये 2 उंगलियां होनी चाहिए। इस तरह से आप देख रहे हो मुझे, आराम से सब लोग आप ठीक से देखें और देखिए। और एकदम आपकी गर्दन भी सीधी होनी चाहिए, इस तरह से आपको यह अभ्यास को 5 मिनट करना है। जैसे ही आप अभ्यास 5 मिनट करोगे आपको बहुत प्रसन्न लगेगा। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास मैं आपसे करवाने जा रहा हूँ। आप शांति से इस बात को सुनो, प्राणायाम ये धरती की सबसे महत्वपूर्ण हुई संजीवनी है। ये गुरु मंत्र है, ये साई वाणी का 28 ही यही है कि मैं आप सबको अभी सिखाने जा रहा हूँ। मेरे अलग अलग जगह पे जब मेरे सब टीचर्स लोग जाएंगे और सिखाएंगे, उसी के साथ आपके जीवन में क्रांति आएगी। यही 40 मिनट आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे।
तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण आसन है जिसको हम बोलते हैं, ठीक से सुनिएगा, बाह्य प्राणायाम। देखो बहुत सारी दिन भर हमें निगेटिव शक्तियाँ छू लेती है, हम बहुत सारी निगेटिव शक्तियों में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें कभी कभी ना बहुत नकारात्मक हम सोचते हैं। पता है आप नकारात्मक क्यों सोचते हो? क्योंकि आपके मन में वो विचार नकारात्मक आते हैं। अगर वो मन में ही नकारात्मक विचार ना आए तो हम कैसे नकारात्मक हो जाएंगे? हर कोई पॉजिटिव दिखने लगेगा क्योंकि अपने मन में झांकना जरूरी है। तो जहां से विचारों का उगम होता है उसी जगह पे अगर हमारा कंट्रोल रहा तो हम तय करेंगे विचार सच्चे रखने हैं, विचार बुरे रखने हैं, विचार सकारात्मक पॉजिटिव रखने हैं, विचार नकारात्मक रखने हैं, और हम सबको पॉजिटिव विचार रखने हैं। तो पॉजिटिव विचार रखने के लिए आप मेरी आवाज से, आप दिल से छूने चाहिए आवाज, और आप सब शांति से काम करो, शांति से। और वो है बाह्य प्राणायाम, पूरी तरह से सांस भरो। जो हम ये सांस तो भरना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सांस को जोर से बाहर छोड़ो। मैं आवाज इसलिए कर रहा हूं कि आप ताकि फील करे, समझ जाए, नहीं तो आवाज नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये सांस है, माँ के गर्भ से होने तक हमारी मृत्यु तक जो चलते हैं ना हमारे साथ, एक ही चीज है और वो है सांस। वो सांस चल शुरू हो गई, हमारा जन्म हुआ, सांस खत्म हुई, हमारा मृत्यु हुआ। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो है वो जीवन है, और वही जीवन को हम आज स्पष्ट कर रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं कि उसको और अच्छा कैसे बनाए। कितनी महत्वपूर्ण है सांस, हम सोचते हैं कभी? बिल्कुल आप हड़बड़ी मत करो। पता है आप जब गुस्से में होते हो तो क्या करते हो? सांस फूल जाती है। और जो शांत आदमी होता है वो कभी कभी उसकी सांस नहीं फूलती। अगर बहुत अच्छे प्राणायाम योगी हो गए ना आप, तो एक मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेनी चाहिए, अंदर और बाहर। अभी मत करना नहीं तो फंस जाओगे, वो योगी के आराम से हो जाएगा सब। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही सटीक है, वो है बाह्य। और उस समय अपनी जो हनुटी है वो अपने इसके गले को पूरा पैक करो, इस तरह से बंद करना है। और अपने जो अंदर के इंद्रिय है, देखो पेट के ऊपर जो सब इंद्रिय है उसको अंदर से दाएं बाएं तरफ घुमाना है। आपने देखा ना कुछ कुछ आसन करते समय हमारे पेट में कुछ ऐसा लगता है हमारा पेट हिल रहा है, पेट नहीं हिलता है, ऑर्गन को पूरी तरह से घुमाया जाता है और वो पेट में से दिखता है। इसमें से आपका मोटापा बहुत कम होगा, मुझे खुद एक्सपीरियंस आया है। साई वाणी जब शुरू की तब मेरा वजन जो था आज उसमें से 15 kg का कम आई है। 2 महीने में मेरा वजन इतना कम हुआ क्योंकि मैं लगातार प्राणायाम करता हूँ, लगातार साई ध्यान करता हूँ। मुझे इतनी शक्ति मिलती है सिर्फ बाबा मुझे देते हैं, सिर्फ ध्यान से दे रहे। और बाह्य प्राणायाम होने के बाद शांति से बैठो, ये बहुत चीज महत्व है। अंदर की शक्ति को छूना चाहती है शक्ति। और उसके बाद आपको करना है, अगर किसी को अपना सर दुखता है, हमेशा उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, तो उसको करना है कौन सा आसन? आप सब जानते हैं। अब बोलोगे सुनील जी ये तो हम बहुत बार देख चुके, देखना अलग है करना अलग है। और आज आपको ये सब आसन करने के बाद शांति से सिर्फ आराम से बैठना है, लेटना नहीं है, बैठना है। पद्मासन में बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, गर्दन एकदम सीधी रखो, ये ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ होने चाहिए। और इस तरह से आप बैठने के बाद सामने बैठो और आराम से आप शांति से, मैं बालाजी को विनती करूंगा कि आप यहाँ साइलेंट सिटिंग वाला मेडिटेशन वाला म्यूजिक लगाएं। साई की धुन के साथ मेडिटेशन वाला म्यूजिक बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आप अपने अगर घर में बैठे हो तो लाइट बंद करें, खिड़की खोल सकते हो क्योंकि बाहर की शुद्ध हवा अंदर आनी चाहिए, लेकिन आप शांत हो, एकदम शांति महसूस कर रहे हो। आपने आँख बंद कर दी आपकी, और आप राइट लेग्स पे ध्यान दे रहे हो, आप पिंडरी पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने घुटनों पे ध्यान दे रहे हो, आप राइट साइड के पूरी तरह से कमर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आराम से आप लेफ्ट साइड पे लेग्स पे ध्यान दे रहे हो, फिर घुटनों पे ध्यान दे रहे हो, पूरी तरह से कमर पे ध्यान दे रहे हो, उसके बाद आप नाभि पे अपने ध्यान दे रहे हो, और शांति से आप पूरी तरह से आपके दोनों आंखों के बीच देख रहे हो, एकदम शांत से आपके सर के तरफ आप फील कर रहे हो,
बाहर की जो भी आवाज़ है, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, वो आने दो, उसको रोको मत, सिर्फ सजगता से उसकी तरफ देखो। सिर्फ देखना है, ना रोकना है ना टोकना है, सिर्फ देखना है। और इस प्रसन्न मुद्रा के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ महसूस करनी है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मेरे अंदर वो शक्ति है जो मेरे सपने पूरे करना चाहती है। आप एकदम आँख सब बंद करो, बिल्कुल आँख बंद करो, आँख बिल्कुल आप नहीं खोलोगे, आराम से आप इस तरह से ध्यान मुद्रा में चले जाओगे। ये एग्जिस्टेंस आपको पूरी तरह से शक्ति दे रहा है, आपका हर एक सपना वो पूरा करना चाहता है। आप अपने को रिलैक्स महसूस कर रहे हो, धरती माँ को आप अपने को समर्पित कर रहे हो, और एक ये अगले वाले 10 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ अपने को ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर। अपने को ध्यान भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम शून्य हो जाना है, शून्य हो जाना है, एकदम शांत हो जाना है। पूरी निगेटिव शक्तियाँ आपसे निकाल के सकारात्मक शक्तियों के साथ आपको जोड़ा जा रहा है, और आप सिर्फ ये साइलेंट म्यूजिक सुन रहे हो, शांति से इस म्यूजिक को आप आनंद दे रहे हो, और पूरी सब ब्रह्मांड आपके आपके लक्ष्य को, आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि देने के लिए लग चुका है। अब एकदम सजगता के साथ आप सोए नहीं हो, लेकिन आप बहुत धीमी सांस ले रहे हो, आपका पूरा ध्यान सिर्फ सांस पे है। अंदर लेना, आराम से छोड़ना, अंदर लेना, आराम से छोड़ना। मन में कोई भी विचार नहीं आ रहा है, मन को किसी विचार को दबा नहीं रहे हो, सिर्फ शांति से सुन रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, सजगता की तरफ मन में आए हुए विचारों को देख रहे हो। एक दिन आप दबा के नहीं हो सकता, दबाए हुई चीज़ बहुत डबल तरीके से उभर के आती है। जो चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह से डाइवर्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, ये सब गुस्सा जो हमारा है, जो अहंकार है, उसको सबको मिटाना है, गुस्से को तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमारे लक्ष्य में, हमारे जीवन में, शांति में, सुख में। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार को मिटाना है भाइयों। ये ध्यान साईं बाबा के चेहरे को सामने ला रहे हो, साईं बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और बाबा आशीर्वाद देते समय सबका मालिक एक श्रद्धा सबूरी प्रारंभ करो, जारी रखो। गुरु मंत्र आप बहुत करो प्रयास, कुछ चिंता मत करो, आने दो विचार। मुझे पता है बहुत सारे लोग तो आज ही पहली बार मेरे साथ मेडिटेशन करने जा रहे हैं, तो उनके विचार, उनकी प्रसन्नता उनको नहीं रोक सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ सांस पे ध्यान दो, और एग्जिस्टेंस पे पूरी तरह से भरोसा रखो कि आपके सब मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। एकदम शांति से रिलैक्स महसूस करो, आपके पैर से लेके सर के बाल तक की शक्ति पूरी तरह से शांत हो चुकी है, और आप पूरी तरह से ब्रह्मांड से जुड़ चुके हो। एक बूंद बूंद नहीं रहता जब वो समुन्द्र को मिल जाता है, पूरे विश्व की शक्ति आपके शक्ति में सम्मिलित हो चुकी है, और आप एकदम मन में रिलैक्स महसूस कर रहे हो। आप वो आज धरती के सबसे शक्तिशाली पुरुष महिला हो जो साईं बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं खुद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे आपको शक्ति के साथ जोड़ रहा हूँ। ये शक्ति जीवन में बदलाव लाने के लिए है, क्रांति लाने के लिए है, और इसी से आप देखो आगे आगे होता है क्या, यही मैं आज कहूँगा। और आराम से आप आँख खोल सकते हो अभी, और आँख खोलने के बाद पूरे हाथ को उनके जोर जोर से आराम से आँख पे रखो, और शांति से ऐसे ही 5 मिनट बैठ जाओ। ये थी आज की साई वाणी और साई ध्यान, इससे ये पहला प्रारंभ है, अभी इसको आगे आगे करते जाएंगे और समाधि अवस्था तक पहुँचेंगे। प्रणाम।